इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंटरेस्ट पे के ऑप्शन से। इसमें तीन तरह के ऑप्शन मिलेंगे आपको, कैप, फ्लोर एंड कॉलर। तो लेके सी, तो अभी जैसे आपने देखा एफआरए किया हमने लास्ट लेक्चर में, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। इस केस में था कि जब ब्रोअर या डिपॉजिटर एफ आर ए को बाय करके है तो उसकी जो इंटरेस्ट की कॉस्ट या इनकम है वो फिक्स हो जाती है। इट मीन्स वैन ब्रोअर और इन्वेस्टर और वी कैन से डिपॉजिटर सो एन एफ आर ए, उसमें जो हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। वो आपकी फिक्स हो जाएगी। ऐसे ही जो इन्वेस्टर है उसकी जो इनकम है वो भी फिक्स हो जाएगी और इंटरेस्ट इनकम। तो इज फिक्स्ड एंड एग्जैक्टली इक्वल टू एफ आर ए रेट, जो आपका एफ आर ए का है स्ट्राइक रेट। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि देखो दोनों केसेज में, अभी के लिए हम लेते हैं ब्रोअर का केस। ब्रोअर के केस में देखिए आपका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इज लेस अगेन एफ आर ए रेट, जो एफ आर ए का स्ट्राइक रेट है, जिसको हम सिंपली एफ आर ए रेट कहते हैं। तो इसी तरीके से देखिए आपका डिपॉजिटर का केस है एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन एफ आर ए। तो उस केस में, पहले केस में जो ब्रोअर है उसको सेविंग हो रही है क्योंकि उसको लो रेट पे मनी बोरो हो रही है मार्केट से। सेकंड केस में डिपॉजिटर को बेनिफिट हो रहा है क्योंकि वो मार्केट रेट जो हायर है उसके ऊपर वो डिपॉजिट कर रहे हैं, उससे इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा मिलेगी। बट इन दोनों केसेज में जब आप एफ आर एंटर करते हैं तो जो सेविंग हो रही है ना वो हमें रिफंड करनी पड़ती है बैंक को। सो सेविंग इज टू बी रिफंडेड बैंक। अब ये ब्रोअर या इन्वेस्टर ये चाहता है कि जो सेविंग है वो उसे रिफंड ना करनी पड़े बैंक को, सिर्फ बेनिफिट हो जाए उसको। तो उस केस में फिर हम ऑप्शन में एंटर कर सकते हैं। इट मीन्स इफ जो ब्रोअर और वी कैन से गैट डिपॉजिटर तो डू नॉट वांट टू रिफंड सेविंग ऑफ इंटरेस्ट टू बैंक। तो इन दैट केस दे शुड बाय, तो उस केस में उनको बाय करनी चाहिए इंटरेस्ट रेट ऑप्शन। ये सब निकले ना कॉल और पुट ऑप्शन होते हैं, उसमें आपको राइट मिल जाता है कि यदि को मार्केट आपके फेवर में है फिर को आप कॉल और पुट एक्सेप्ट कर लो, यदि वो आपकी मतलब फेवर में नहीं है फिर आप उनको रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो इसी तरीके से ना यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगी कि आपने अब जो स्ट्राइक रेट है उसके ऊपर मनी बोरो करनी है या डिपॉजिट करनी है या मार्केट में डिपॉजिट करनी है या मार्केट से बोरो करनी है। वो देखते हैं तो किस किस टाइप के ऑप्शन होते हैं इंटरेस्ट रेट में। इसमें आपको ना तीन तरह के देखो ऑप्शन मिलते हैं इंटरेस्ट रेट में, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस। नंबर वन आता है आपका कैप। तो कैप जो है दिस इज फॉर ब्रोअर, ये ब्रोअर के लिए होता है, ठीक है। तो एक होता है सेकंड आपका फ्लोर। तो फ्लोर का जो ऑप्शन है दिस इज फॉर डिपॉजिटर,
देखो आपने क्या करना है, जैसे ब्रोर है, आपने कैप बाय कर ली, फॉर ब्रोर, ब्रोर बाय यू, बाय यू अ कैप। तो कैप क्या है, एक इंटरेस्ट रेट का ऑप्शन है, उसको नाम दे दिया है। तो सपोज चलो बाय की अपने कैप एट स्ट्राइक रेट, ये जो स्ट्राइक है ये है हमारा स्ट्राइक रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज चलिए दिस इज इक्वल टू 7%। इसका मतलब है कि एक तरीके से कैप में आपको एक बेनिफिट मिल रहा है, राइट, कि आप मनी बोरो कर सकते हो। इसमें जब ब्रोअर ने कैप बाई की है तो हम कहते हैं कि ब्रोअर गेट्स राइट। अब उसके पास ना एक राइट आ गया है टू बोरो मनी, कि आप मनी को बोरो कर सकते हो। सो एट स्ट्राइक रेट, जो भी आपका स्ट्राइक रेट है, विच इज इक्वल टू 7%। अब किस केस में आप बोरो करोगे 7% पे, अब डिपेंड करके मार्केट में क्या रेट चल रहा है आपका। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, यदि को आपका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ मार्केट रेट, रेट क्या की गया ये है इंटरेस्ट का, ऑफ इंटरेस्ट ये ग्रेटर कह रहे हैं आपका कैप के स्ट्राइक रेट से, कैप स्ट्राइक रेट। जैसे आपको कैप मिली 7% पे, मार्केट में रेट हो गया 8%, 9%, फिर को आप कैप के थ्रू बोरो करो क्योंकि हमें कॉस्ट कम पड़ेगी, उसको हम कहते हैं एक्सेप्ट कर लो कैप। तो बोरोर जो है वो अपनी कैप एक्सेप्ट करेगा, मीन्स वो बोरो कर लेगा 7% के ऊपर। अब देखिए मार्केट में रेट आपका जो है फॉल कर जाता है, इफ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लेस गैन कैप स्ट्राइक रेट, कैप का जो स्ट्राइक रेट है उससे भी कम है। अब इसमें आपको ऑप्शन मिलेगी, ऑप्शन में क्या होता है कि अब आप कैप को रिजेक्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कैप। मीन्स आपको 7% पे बोरो नहीं करना है, मार्केट में जो रेट है उस पर आप बोरो कर लो, बोरो फ्रॉम मार्केट, तो आप मनी बोरो कर सकते हैं एट मार्केट। मार्केट का जो रेट है, अच्छा FRA में क्या था, जब रेट हमारा कम हो जाता था तो हमें इंटरेस्ट जो सेव होता था वो रिफंड करना पड़ता था, अब इसमें रिफंड नहीं करना पड़ेगा, ये बेनिफिट मिल गया। तो ऐसे देखें फ्लोर होती है डिपोजिटर के लिए, तो फ्लोर में डिपोजिटर ने बाई की, फ्लोर बाई अ फ्लोर लेकिन से एट स्ट्राइक रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 7% है। तो इट मीन्स अब इसमें ब्रोअर को राइट मिलता है गेट्स राइट टू बोरो मनी, ठीक है, एट स्ट्राइक रेट। अब इसको राइट मिलेगा डिपॉजिट करने का, तो हम कह सकते हैं कि जो डिपॉजिटर है, डिपॉजिटर गेट्स राइट टू डिपॉजिट मनी, उसको डिपॉजिट करने का राइट मिल जाएगा, राइट मिल गया डिपॉजिट का एट स्ट्राइक रेट, जो भी स्ट्राइक का रेट है, जैसे इस एग्जाम्पल में है 7%। पर अब ये देखो रिवर्स हो जाएगा, अब देखिए आपका मार्केट का जो रेट है हमने लिया था ग्रेटर है स्ट्राइक रेट से, इस केस में देखो अब ये कि मार्केट रेट आपका, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपका ग्रेटर है फ्लोर के रेट से, बिल्कुल बेहतर है कि आप मार्केट में इन्वेस्ट करो क्योंकि आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम कहते हैं फ्लोर रिजेक्ट हो जाएगी, रिजेक्ट टू फ्लोर, बट सेकंड केस अब ये मार्केट रेट आपका फॉल कर जाता है, मार्केट रेट इज लेस अगेन फ्लोर रेट, जिसको हम कहते हैं स्ट्राइक रेट, तो फिर आप अपनी फ्लोर एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इट मीन्स एक तरीके से आपको गारंटी मिल गई है, बोरो करने में
कि इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, या तो इस पर आप बोरो करोगे या लो रेट पे जब मार्केट में रेट कम है। ऐसे डिपॉजिटर को गारंटी मिल गई है कि मिनिमम इतना इंटरेस्ट मिलेगा 7% या इससे ज़्यादा मिलेगा। जब मार्केट एक ज़्यादा है तो मार्केट फ्लोर को रिजेक्ट करके मार्केट से में आप इन्वेस्ट करो, आपको ज़्यादा इनकम मिलेगी। कम है तो फ्लोर एक्सेप्ट कर लो, मिनिमम इतनी इनकम आपको मिलनी मिलनी है। बट इस पर्पज़ के लिए कैप और फ्लोर में जैसे ऑप्शन में होता है हमें प्रीमियम देना पड़ता है, तो उस केस में भी बट तो ब्रोअर चाहे ब्रोअर है या कोई डिपॉजिटर है, तो कैप के केस में ब्रोअर है बट ब्रोअर हैज़ टू पे, जिसको कहते हैं ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम पे करना पड़ेगा आपको। तो इस केस में ऑप्शन प्रीमियम का नाम है कैप फी, कैप की फीस। तो जैसे कॉल ऑप्शन में या पुट ऑप्शन में जो होगा कि ना पर शेयर चलता होगा प्रीमियम, पर इसमें जो कैप की फीस चलती है वो कुछ परसेंटेज में होती है, परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ लोन, जितना आपका लोन है। तो ऐसे ये डिपॉजिटर का केस है। सिमिलरली डिपॉजिटर सो हैज टू पे ऑप्शन प्रीमियम, उसको हम कहते हैं फ्लोर फी, तो उसको भी फ्लोर की फीस पे करनी पड़ेगी। ये भी होती है कुछ परसेंटेज में होती है ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, जितनी मनी आप डिपॉजिट कर रहे हैं। पर फिर एक और पॉइंट आता है, अब जैसे आपका जो लोन आपने लिया है 2 साल के लिए लिया है जिसपे इंटरेस्ट हम पे करते हैं हाफ ईयरली, या मनी डिपॉजिट किया 2 साल के लिए जिसका इंटरेस्ट मिलता है हाफ ईयरली, तो ये जो फीस है ना कैप की या फ्लोर की, ये हमें इंस्टॉलमेंट में पे करनी पड़ती है। लेकिन हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करोगे तो हाफ ईयरली है, एनुअल है को एनुअल है। तो इसका मीन्स इसका बेसिक पॉइंट क्या है, कैप और फ्लोर फी। तो इज टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, ये आपको इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है विद इंटरेस्ट के साथ, विद पेमेंट और रिसीट ऑफ इंटरेस्ट। मीन जब आप इंटरेस्ट पे करेंगे या जब आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा उस टाइम आपको ये फीस जो है पे करनी है इंस्टॉलमेंट्स में। तो इसके इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देखते हैं। तो लेकिन जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, सपोज कर लीजिए आपकी जो इंस्टॉलमेंट है ऑफ फी इज इक्वल टू सपोज ए, ये हमने यूम कर लिया है लेट। तो अब आपका एक 2 साल का लोन है या 2 साल का डिपॉजिट है, वो देखें किस तरीके से कैलकुलेट होगी। इट मीन्स जैसे अब आपने ली है इंस्टॉलमेंट को फी इज ए, तो वो कैसे कैलकुलेट होगी। आपको टाइम शीट बनाया आपने कूड़े के 0 टाइम पीरियड, और अगर आप कैप की फी कैलकुलेट कर लीजिए या फ्लोर की फी, तो ये आगे जितना अमाउंट है आपका डिपॉजिट का या जो आपने बोरो किया है, और उस पर अप्लाई कर दो परसेंटेज। अभी आपने इंस्टॉलमेंट में पे करना है, सपोज लो 2 साल का लोन है आपका, और वो अपने इंटरेस्ट जो मिलेगा या पे करेंगे हाफ ईयरली है, तो मीन 6 मंथ, 12 मंथ, 18 एंड 24 मंथ्स, ये बन गए आपके 4 पीरियड्स, 1, 2, 3 एंड 4 पीरियड। तो आज देखो करंट इंटरेस्ट क्या चल रहा है 0 पीरियड में, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट यह है आपका मीन्स टाइम पीरियड जो 0 में। तो उसके बेस पर अब आप इसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू। अब ये आपने लिया है कि जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी ए आ गई, इट मीन्स आपकी 4 इंस्टॉलमेंट बन गई इसमें। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, सो डैट इट इज इक्वल टू टोटल फी, तो इट मीन्स फार्मूला बन जाएगा ए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 4 एंड 3। आर को बना लो आप, आर कितना है 4 6 मंथ्स का, और नंबर ऑफ पीरियड इक्वल टू कैप और फ्लोर फी। इस तरीके से आपकी कैप और फ्लोर की फीस कैलकुलेट हो जाएगी।
अब देखें जब आप कैप में एंटर करते हैं तो हम उसकी इंटरेस्ट की कॉस्ट कैसे निकालेंगे। सो हाउ टू डिटरमिन इंटरेस्ट कॉस्ट। सो इन केस ऑफ अ कैप, अब आप देखो अभी नॉर्मली हम ये यूम करते हैं कि हमने मार्केट रेट पे बोरो किया है, तो आपने लेना है इंटरेस्ट पेड, आपको इंटरेस्ट पे करना है एट मार्केट रेट। अब सपोज करो मार्केट रेट जब ज़्यादा हो जाता है कैप के स्ट्राइक रेट से, फिर हम बोरो को मार्केट रेट पर करेंगे, पर जो डिफरेंस है ना आपका वो हमें रिफंड मिल जाएगा, उसको लिखेंगे माइनस कैप रिफंड, वो कैप की रिसीट बन जाएगी आपकी। मीन्स हम क्या करते हैं मार्केट से बोरो करते हैं पर कैप का रेट 7% है, मार्केट से बोरो की 8%, तो 1% आपको ना रिफंड आ जाएगा बैंक से, जिसे कहा गया रिफंड फ्रॉम बैंक। को कैप की रिसीट कभी आएगी जब आपका मार्केट रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। और आपको तो ये समझो हमारी इनकम होगी तो हमारी इंटरेस्ट की कॉस्ट में से माइनस होगी, और प्लस करके उसमें कैप की फीस जो आपने पे करनी है कैप फीस, तो इस तरीके से ये आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी। तो कैप की रिसीट कब होगी, जब आपका मार्केट रेट, क्योंकि कैप तभी एक्सेप्ट हो रही है आपकी, मार्केट रेट आपका ग्रेटर है स्ट्राइक रेट से। तो इसी तरीके से देखते हैं फ्लोर के केस में हमें कितनी इनकम मिलेगी इंटरेस्ट की, वकील इंटरेस्ट की इनकम। तो इन केस ऑफ फ्लोर, जैसे फ्लोर था ना डिपोजिटर के लिए, तो इसमें भी देखो इनकम आएगी, मार्केट इंटरेस्ट आपको मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड एट मार्केट रेट, ठीक है। अब यदि मार्केट रेट कम है फिर आप अपना फ्लोर एक्सेप्ट करोगे, फिर उसका रिफंड मिलेगा आपको, प्लस फ्लोर रिसीव, ये कम मिलेगी जब आपका मार्केट रेट इस केस में कम हो जाता है, मार्केट रेट इज लेस अगेन फ्लोर स्ट्राइक रेट। एक मिनट, अब आपने फ्लोर एक्सेप्ट कर लिया है तो इतना इंटरेस्ट मिनिमम मिलना चाहिए, पर हमें मिल रहा है मार्केट रेट, तो डिफरेंट जो है वो हमें रिफंड मिल जाएगा। फ्लोर रिसीट का मतलब है जिसे के रिफंड फ्रॉम बैंक। अभी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, अब जो आपने इसका प्रीमियम दिया था और के फ्लोर की फीस दी थी इंस्टॉलमेंट में, वो लेस कर दो माइनस फ्लोर फीस। यहाँ पे देखो हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, को कैप की फी हमने प्लस की क्योंकि ये कॉस्ट है हमारी, रिसीट माइनस हो रही थी, इसमें ये भी रिसीट है ये भी रिसीट है, पर ये हम पे कर रहे हैं फ्लोर फी पे, वो आपकी लेस हो जाएगी। तो आपने देखा कैप और फ्लोर में मेन जो है जो फीस होती है बहुत ज़्यादा होती है कैप या फ्लोर की, उसके कारण कई बार ये ऑप्शन अट्रैक्टिव नहीं होता है। तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए तो हमने एक नया ऑप्शन आता है, उसका नाम है कॉलर, नंबर थर्ड टाइप ऑफ ऑप्शन है ये कॉलर। तो ऑप्शन में जैसे आपने देखा ये जब हम ऑप्शन बाय करते हैं तो हमें प्रीमियम देना पड़ता है, पर जो ऑप्शन का सेलर होता है उसको रिसीव होता है। तो अभी हमने देखा कैप में और फ्लोर में, जैसे आप देखिए इसमें ना कौन कौन सी पार्टीज हैं हमारी, जैसे कैप ऑप्शन है आपकी, कैप है या फ्लोर है, तो एक को बायर होता है इसमें, बायर ऑफ कैप और बायर ऑफ फ्लोर। कैप में बायर कौन होता है, जो बरोअर, जिसने मनी बोरो करनी है, और फ्लोर में होता है डिपॉजिटर। तो बायर को फीस पे करनी है, बायर हैज टू पे फी, इसको हम कहते हैं ऑप्शन प्रीमियम, या ऑप्शन की आप फीस भी कह सकते हैं। उससे हमारी जो कॉस्ट है ना वो बढ़ जाती है या इनकम रिड्यूस हो जाती है। पर एक होता है इसमें सेलर, नॉर्मली सेलर कौन होता है, वो बैंक ही होता है आपका,
जिससे शुरू आप मनी बोरो करके हैं या इन्वेस्ट करके हैं। तो अब जो बैंक है वो सेलर है, उसको रिसीव होती है। तो बैंक का को काम यही है कि उसको इनकम अर्न करनी है अपनी फीस से। बैंक टू रिसीव जिस फी, देखिए कैप फी और फ्लोर फी। तो इसमें से इस फीस के कारण ऑप्शन का जो प्रीमियम है, तो कैप और फ्लोर बायर के लिए कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है या इनकम रिड्यूस हो जाती है। इसलिए अब अपने इस फीस को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो हमारे पास कॉलर है। सो कॉलर इट इज एंकल्ड टू मिनिमाइज, इसका बेसिक पर्पज होता है कि आपने मिनिमाइज करनी है ऑप्शन फी, ऑप्शन प्रीमियम या जिसको फीस कहते हैं। तो कॉलर जो है दो तरह के चलते हैं। नंबर वन, जिनको ब्रोअर का केस है, फॉर ब्रोअर, ब्रोअर ने अपना रिस्क कवर करना होता है कि इंटरेस्ट उसका इंक्रीज ना हो जाए, इसके लिए उसने कैप ऑप्शन लिया। कैप में राइट मिल गया बोरो करने का स्ट्राइक रेट पर। तो ब्रोअर ने क्या करना है, उसने बाय करनी है वन कैप। तो इसके ऊपर अब उसको ऑप्शन प्रीमियम जो है पे करना पड़ेगा, प्लस वो सेल कर देगा अपना सेल वन फ्लोर, और फ्लोर की जो ऑप्शन है ना वो अब सेल कर दो। नहीं, डिपॉजिट करने का राइट हमने सेल कर लिया, बोरो करने का राइट हमने बाय कर लिया। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हमने कैप ले ली, लेकिन बढ़ेगा तो फ्लोर पर रिजेक्ट भी हो जाएगी आपकी। तो उससे क्या होता है, आपकी जब आप कैप बाय करोगे, इसकी कैप की फीस हम पे करेंगे, पे कैप की, पर जो फ्लोर हमने सेल किया है उसकी फीस हमें रिसीव होगी, तो हम रिसीव करेंगे फ्लोर फी। और कई बार होता है ये दोनों फीस बराबर होती हैं, तो नेट हमारी फीस जो है वो जीरो हो जाती है। इतनी से नेट फी इज मिनिमाइज, बस यही बेसिक पर्पज होता है अपनी फीस की कॉस्ट को रिड्यूस करने का कॉलर के केस में। तो या तो जीरो हो जाएगी जब दोनों बराबर हैं, या वो मिनिमाइज हो जाएगी। तो सेकंड केस देखो डिपोजिटर के लिए, तो उसके लिए कॉलर की स्ट्रैटेजी क्या है, तो उसने को फ्लोर ऑप्शन लेने की, क्योंकि उसने डिपॉजिट करनी है। तो वो क्या करेगा, वो बाय करेगा वन फ्लोर, फ्लोर की ऑप्शन बाय करो आप, और आप सेल कर दो प्लस सेल वन कैप, कैप आप सेल कर दो। मीन्स बोरो करने का राइट हमने सेल कर दिया, डिपॉजिट करने का राइट हमने बाय कर लिया। तो इसकी फीस पे कर देंगे हम, पे फ्लोर फी, और आपको रिसीव हो जाएगी कैप फी। ऑब्जेक्टिव देखो सेम है आपका, तो नेट फी जो मिनिमाइज, नेट फीस आपको मिनिमाइज करनी है। ये नहीं डिस्कस किया कैप फ्लोर और कॉलर क्या होते हैं, अब एग्जांपल करके हैं प्रॉब्लम, उससे आपको क्लियर होगा। लेगेसी प्रॉब्लम नंबर वन, तो ये प्रॉब्लम हमारी है कैप के बेस पर। लेगेसी प्रॉब्लम नंबर वन, इसमें देखो आपको मेंशन किया है, कंसीडर ए वन ईयर इंटरेस्ट रेट कैप दैट स्पेसिफाई के नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डॉलर 1 मिलियन एंड ए 6 मंथ लिबोर कैप रेट ऑफ 5%। तो इसमें से आपको कैप दी है, और जो आपका लोन अमाउंट है, तो जिसे ये डॉलर 1 मिलियन, तो ये बन जाएगा 10 लाख, और जो कैप का रेट लिया है हमें, कैप रेट लीजिए 6 मंथ लिबोर, गैटी गिवन 6 मंथ लिबोर, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट को चल रहे हैं, तो उस रेट पर हमने कैप का रेट लिया है, जिसे जो एट द रेट ऑफ 5%। इतने कैप जब हम बाय करेंगे हमें राइट मिल जाएगा मनी को बोरो करने का 5% के ऊपर। एज्यूम द एग्रीमेंट कवर्स ए पीरियड स्टार्टिंग जनवरी 15 थ्रू द फॉलोइंग जनवरी 15 विद द इंटरेस्ट रेट टू बी रीसेट ऑन जुलाई 15। तो डिटरमिन द अमाउंट टू बी रिसीव बाय कैप बायर ऑन जनवरी 15 इफ 6 मंथ लिबोर इज 5.5% ऑन जुलाई 15। आपने जो को कैप ली है, आज आपका जो टाइम है वो है जनवरी 15, तो आपने जब मनी बोरो करनी है
उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट टू बी पेड सो हाफ ईयरली, क्योंकि जो लिबोर है वो है आपका 6 मंथ का। तो अब देखो आपने जनवरी 15 में ले रहे हो, तो जब आप जनवरी 15 को देखिए मनी बोरो करके हो, तो आज का जो रेट है करंट जो लिबोर है आपका, तो वो एप्लीकेबल होता है आपका नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। तो इसका मतलब होता है कि जब आपने आज मनी बोरो करनी है, तो नेक्स्ट पीरियड में जो इंटरेस्ट पे करोगे इसके लिए कैप आपको नहीं मिलेगी। इट मीन्स हेयर इंटरेस्ट इज पेड, क्योंकि आपका यही होता है ना, जब आप लोन लेते हैं उस टाइम जो रेट चल रहा है वही इंटरेस्ट पे करना होता है, पर यदि फ्लोटिंग है आपका चेंज हो रहा है, तो उसके बाद 6 महीने के बाद जब इंटरेस्ट चेंज होगा वो इंटरेस्ट हम अगले 6 महीने के बाद पे करेंगे। इसमें जो जीरो पीरियड का इंटरेस्ट है, करंट लिबोर है जो, जिसको कहते हैं जीरो पीरियड, तो वो हमारा नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए अप्लाई हो रहा है। इंटरेस्ट को भी पेड एट करंट लिबोर, तो करंट जो रेट है आपका, करंट का मतलब है जीरो टाइम पीरियड में, और ये इंटरेस्ट हमें पहले से पता है आज की डेट में। इसका जो इसके ऊपर कैप अप्लाई नहीं होता है कभी भी, फर्स्ट पेमेंट, तो इट मीन्स फॉर फर्स्ट पेमेंट सो कैप इज नॉट एप्लीकेबल। तो अब जब 6 महीने के बाद आपका इंटरेस्ट चेंज होगा मार्केट में, वो हमें नहीं पता है, तो उसको कहते हैं ये हमारा पहला रीसेट पीरियड है, जिसे फर्स्ट रीसेट पीरियड, जब हम अपना इंटरेस्ट को चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखो वो आपको दिया है, अब इस यहाँ जो रेट होगा वो ये होगी आपकी डेट जुलाई 15, 6 महीने हो गए, फिर नेक्स्ट होगी आपकी जनवरी 15, आपके 12 महीने हो जाएंगे। अब देखो ये को रेक हो गया, यहाँ पर जो दिया था वो को यहाँ से यहाँ तक का हो गया, इस टाइम जो रेक होगा वो यहाँ अप्लाई होगा नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, वो आपको दिया है। देखो तो दे आर सेइंग डिटरमिंग अमाउंट टू बी रिसीव बाय कैप बायर ऑन जनवरी 15 इफ 6 मंथ लिबोर जो 5.5% ऑन जुलाई, तो यहाँ जो रेक है ना आपका 6 मंथ्स का लिबोर वो आपको दिया है जैसे जो 5.5%। तो यहाँ क्या लिबोर मानेंगे, जो रेट है स्ट्राइक पे, जैसे हमें गिरा भी नहीं है वैसे को, तो इट मीन अब ये जो रेट है 6 मंथ का जनवरी 15 को ये अप्लाई होगा, जुलाई 15 को ये अप्लाई होगा जनवरी 15 के लिए। अब आप चेक करो कि आपका कैप एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा ऑन जनवरी ऑन जुलाई 15, और मेंशन कीजिए ऑन जुलाई 15। अब जो मार्किंग रेट है आपका, मार्किंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है आपका 5.5%, और जिसे ग्रेटर देन कैप का जो स्ट्राइक रेट है आपका, कैप का स्ट्राइक रेट है आपका 5% है, ये पर एनम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम चलता है मार्केट में। तो अब देखो कैप एक्सेप्ट हो जाएगी, इट मीन्स जो बरोर है वो कैप के थ्रू बरो करेगा, क्योंकि वो उसको इंटरेस्ट लो पड़ेगा, यहाँ 5.5 है मार्केट में, कैप का रेट है 5, इट मीन्स बरोर विल एक्सेप्ट, बरोर विल एक्सेप्ट कैप। तो कैसे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, अब बरोर को पे को करना पड़ेगा मार्केट रेट पर, सो बरोर जो है विल पे, बरोर विल पे इंटरेस्ट सो एट मार्केट रेट, वो पे करेगा मार्केट रेट के ऊपर, इट मीन्स विच इज 5.5%, बाकी ये स्ट्राइक रेट से ज़्यादा है तो जो 0.5% से ज़्यादा पे किया उसका रिफंड मिलेगा, एंड विल गेट रिफंड थ्रू कैप, क्योंकि उसने कैप ऑप्शन ले रखी है, तो कैप ऑप्शन के थ्रू उसको रिफंड मिल जाएगा। तो देखते हैं कितना रिफंड मिलेगा, जो आपको ये आप कैलकुलेट कर सकते हो रिफंड अमाउंट, उसको मे भी कहते हैं कैप की रिसीट, कैप के थ्रू आपको कितनी रिसीट मिल रही है। अब देखिए कितना लोन है आपका, गोल्डर 10 लाख का लोन है, और एक्सेस इंटरेस्ट आपने पे किया है 5.5% माइनस कैप का रेट है 5%,
वाइन जो 5% आपने एक्स्ट्रा पे किया है वो आप टाइम पीरियड ले सकते हैं। आपको दिए हैं नंबर ऑफ डेज 360 दिए हैं हमें, इसमें आपको दे रखे हैं डेज पर एनम 360 आपने लेने हैं। तो इसमें सब हम डेज भी कैलकुलेट करेंगे जुलाई 15 से लेकर जनवरी 15 तक। जुलाई के हो इतने डेज रह गए आपके, 16 डेज जुलाई के हो गए हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी के हो गए 15 डेज। तो इतने डेज का इंटरेस्ट आपको रिफंड मिलेगा, जैसे 16 प्लस 61 सो प्लस 61 प्लस ओवर 31 प्लस 15 जैसे 184 डेज वो आप कैलकुलेट कीजिए इनको 184 गए डिवाइड बाई 360 ये अमाउंट डॉलर्स में आ जाएगा आपको। तो जैसे 10 लाख इनको 0.5% इनको 184 डिवाइड बाई 360 तो जिस अमाउंट ऑफ डॉलर की 2.55 0.56 आप राउंड अप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए पहले क्वेश्चन को, फिर आपको समझ आएगा। थोड़ा सा शुरू में टाइम लगता है समझने में कि कैप फ्लोर क्या चीज है आपकी। नेक्स्ट देखें सी प्रॉब्लम सेकंड, ये भी देखो आपके कैप के बेस पर है बट जैसे फुल क्वेश्चन इसमें आपको मेंशन किया है। अ कॉरपोरेशन हैज बोरोड डॉलर 50 मिलियन ऑन फ्लोटिंग रेट बेसिस फॉर 3 ईयर्स। कोई कंपनी ने मनी बोरो की है 3 साल के लिए, टोटल टाइम पीरियड है आपका 3 ईयर्स। जीरो पीरियड में हमने बोरो किया है, बोरो जिसे जो अवर डॉलर 50 मिलियन इसमें डॉलर 500 लाख ये आपने बोरो किया है एक्टिव फ्लोटिंग रेट के ऊपर। इंटरेस्ट रेट की जो रीसेट डेट्स हैं वो हैं आपकी 1 मार्च और 1 सितंबर। जब स्प्रेड ओवर लिबोर एक 25 बेसिस पॉइंट उसमें जो फ्लोटिंग रेट है जैसे इक्वल टू जो भी लिबोर होगा आपका उसमें बैंक कुछ आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा उसको स्प्रेड कहते हैं, वो है 25 बेसिस पॉइंट मीन्स 0.25%। सो इट इज ए बुलेट लोन जैसे जो रीपेमेंट ऑफ एंटायर प्रिंसिपल इज एट मेच्योरिटी। तो एक बाई के 3 ईयर कैप ऑन 6 मंथ लिबोर विद फ्लोइंग फीचर्स। अब आपने रिस्क कवर करने के लिए ब्रोअर ने बाई कर ली है कैप, बाई कैप एट स्ट्राइक रेट, तो इसका रेट आपको लिया है स्ट्राइक रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो स्ट्राइक रेट इज 9% मीन इसका ये बेनिफिट है लेकिन मार्किंग में इंटरेस्ट 9% से ज़्यादा है या जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 9% से ज़्यादा है तो उसका रिफंड आपको मिल जाएगा। द कैप इज क्रेडिट ऑन फेब्रवरी 28, 2021 तो इसकी फीस भी की है कैप की वो आपको दी है कैप फी 2% ऑफ लोन अमाउंट, जितने का लोन है उसका 2%। सो कैप इज क्रेडिट ऑन फेब्रवरी 28, 2021 को आज वो डेट है आपकी वो है फेब्रवरी जैसे जो 28, 2021 तो आपकी जो डेट्स हैं जो आपने इंटरेस्ट पे करने हैं वो देने हैं अपने 1 मार्च और 1 सितंबर को। अब इसके बाद आपका पहला इंटरेस्ट ड्यू होगा सितंबर 1 यानी कि जो मार्च 1 मीन्स देखिए आप आज लोन लेते हैं फेब्रवरी 28 को तो हर 6 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो करंट लेवल ऑफ 6 मंथ लिबोर इज 9%। तो आज जो लिबोर चल रहा है मार्केट में वो ये है करंट लिबोर है आपका एज ऑन टूडे तो किसी जो गिवन को भी अवर 9%। तो आपको डिटर्मिन करना है इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थ्रू कैप इफ 6 मंथ लिबोर एट सब्सिक्वेंट रीसेट गेट्स मूव्स है जो फॉलो। अब जो सब्सिक्वेंट रीसेट गेट्स हैं तो वो आपके आ जाएंगी जैसे 1 सितंबर आएगी पहले तो आप मैंशन करते हैं देखो डिफरेंट गेट्स आपको दिए हैं सितंबर 1 जैसे 2021 यानी कि मार्च 1
अगेन सितंबर 1, यानी कि जो मार्च 1, यानी अगेन सितंबर 1, यानी कि जो मार्च 1, तो जिसे जो 2022, 2023, 2024, तो आपको डिफरेंट गेस के लिबोर दिए हैं। तो एज ऑन गिस गेट, तो आज जो करंट लिबोर है वो है आपका कूगे एज ऑन गिस गेट। ये एप्लीकेबल होगा 1 सितंबर के लिए। फिर 1 सितंबर को जो रीसेट डेट आएगी उस टाइम लिबोर हो गया आपका 10%, 9.5, यानी कि 9.5, यानी 9 एंड 8.5, वो आपको डिटरमिन करनी है बाकी इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अब आप देखिए आपको एक्चुअल इंटरेस्ट कितना पे करना है। देखो लिबोर है आपका, ये आपने अब एक्चुअल इंटरेस्ट जो आपको पे करना है उसमें 0.25 और ऐड कर लीजिए। चलो हम उसका एक टेबल शो करते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेशन होंगी। अब आपकी फ़ीस है तो पहले कैलकुलेट करते हैं कैब की फ़ीस। कैब फी की इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी आप? तो 3 साल का लोन है तो हाफ ईयरली के हिसाब से 6 पीरियड बन जाएंगे। तो हमें कैब की फ़ीस 6 इंस्टॉलमेंट में पे करनी पड़ेगी जब आप इंटरेस्ट पे करोगे। तो लेके से आज कैब की फ़ीस है 500 लाख का लोन है, इसका कर लीजिए 2% इंस्टॉलमेंट है ए, इनको कर लीजिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 4 NPV। ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आज जो लिबोर चल रहा है करंट 9%, इसको बनाओ 6 महीने का, ये बन जाएगा 4.5%, और 6 पीरियड हो गया आपके, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2%, जिसे जो गोलर 10 लाख, लैक्स में चला रहे हैं हम फिगर, डिवाइड करके एनुअल फैक्टर बनाओ आप 4.5% पर 6 पीरियड का, 1/1.04512345 6, दिस इज कमिंग 5.1579। तो जिस अमाउंट की 10/5.1579, जिसे जो 1.994 कर दिया राउंड फिगर 94 लाख। अब आपको टेबल ड्रॉ करना है, वो देखते हैं कैसे टेबल ड्रॉ होगा आपका। वी हैव अ ईयर, क्योंकि 2020 में आपको इंटरेस्ट पे करना है जो आपकी डेट है। तो February 28 को आपने लोन लिया है, तो पहली रीसेट डेट है आपकी September 1, यानी कि 2021, यानी कि March 1, अगेन September 1, यानी कि 2022, तो किसी की March 1, September 1 एंड 2023। तो आज की डेट आप देख लीजिए कौन सी है, सॉरी क्योंकि आपकी जो डेट है 21 है, जैसे 21, जैसे 22, 23, 24 एंड किसी जबर March 1। अब देखो 6 महीने के 6 पीरियड हो गए आपके। तो अब देखते हैं आपका लिबोर क्या चल रहा है, मार्केट का क्या रेट है, मार्केट रेट इतनी जैसी हुई लिबोर। तो यहाँ जो इंटरेस्ट पे करेंगे September 1 को, ये हम पे करेंगे जो आज लिबोर चल रहा है करंट लिबोर, वो हमें गया था 9%, देन इट हैज बिकम 10, 9.5, देन इट टू 9.5, देन इट टू 9 एंड 8.5। अब आप देखिए आपको एक्चुअल इंटरेस्ट कितना पे करना है, इसमें हमने ऐड करने हैं 0.25 बेसिस पॉइंट, बाकी जो एक्चुअल इंटरेस्ट जो आपको पे करना है इसमें प्लस कर लीजिए 0.25, तो 9.25%, सभी में प्लस करेंगे हम 10.25, 9.75%, 9.75% एंड क्या निकल गए 9.25% एंड 8.75%। और आपका जो कैप का स्ट्राइक रेट है वो आपको मेंशन कीजिए, कैप स्ट्राइक रेट
ये है 9%। तो जब आप 9% से ज़्यादा पे करेंगे उसका आपको रिफंड जाएगा कैप के थ्रू, वो माइनस कर दो, ये बन गया आपका कैप और रिफंड, और प्लस कर दो कैप की फीस, वो आपको पे करनी है। तो राइट, तो हम कैलकुलेट करते हैं, और ये इंटरेस्ट की पेमेंट है हाफ ईयरली। तो कैप की फीस को देखो आपकी आ गई है 1.94 लाख, ये आपकी सेम रहेगी 1.94। ये हम अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं डॉलर लैक्स में चल रहे हैं आपके। अब देखो पहला इंटरेस्ट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कितना बनेगा आपका डॉलर, आपका जो लोन है किसी के गिवन 50 मिलियन डॉलर 500 लाख का लोन है आपका, उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा जो आपने पे करना है 9.25% 6 महीने का। तो देखो कैप का रिफंड कैसे निकालेंगे, अब ये 9% से ज़्यादा है तो आपका कैप रिफंड आएगा। बट आप देखो ये है सिर्फ पहली पेमेंट, क्योंकि ये को हमने जो इंटरेस्ट पे करना है वो को करंट रेट के बेस पे करना है, यहाँ कैप अप्लाई नहीं होगा। तो आप लिखिए कैप रिफंड नो कैपलीबल, जैसे मैंने पहले बताया था कैप शुरू होता है आपका जो फर्स्ट रीसेट पीरियड आएगा सब आगे सितंबर 1 को जो नया रेट है उसके बेस पर जो पेमेंट करोगे मार्च 1 में, यहाँ अप्लाई होगा आपका कैप। तो यहाँ पर आपका देखो इंटरेस्ट बन जाएगा 500 के ऊपर 9.25%, इसको बना दो 6 महीने का, जिसे 23.125। तो इसकी कॉस्ट आ गई आपकी 23.125, यानी कि 10.25% ऐसे ही 500 × 10.25% 6 महीने का 25.625। अब इसमें आपको रिफंड मिल जाएगा, तो रिफंड जो हो कितना मिलेगा डॉलर को 10.25 आपने पे किया है, स्ट्राइक रेट आपका 9%, तो ये आपको रिफंड मिलेगा 6 मंथ्स में। मीन जितना 9% से ज़्यादा बनेगा उसका रिफंड आएगा आपको 500 × 1.25% डिवाइडेड बाई 2 3.125, और ये प्लस हो जाएगी, ये प्लस होगी आपकी। सिमिलरली जिस 500 × 9.75% डिवाइडेड बाई 2 जिसे 24.375 माइनस रिफंड देखो कितना मिलेगा 0.75%, तो 500 के ऊपर 0.75% रिफंड है 6 महीने का, ये 9% से ज़्यादा है। स्ट्राइक रेट से जब भी ज़्यादा होगा तब आपको रिफंड मिलेगा 500 × 0.75% डिवाइडेड बाई 2 1.875। यहाँ भी सेम है 24.375 माइनस 1.875, 9.25 है 23.125, तो इसका रिफंड जाएगा 0.25%, 500 × 0.25% 6 मंथ्स का 0.625, 8.75। यहाँ आपका पहले कम है, तो अब आप मार्केट से बोरो करोगे लो रेट पर 500 × 8.21.875, अब इसमें कोई रिफंड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने कैप एक्सेप्ट ही नहीं की, मार्केट से बोरो कर लिया लो रेट पर, तो कैप का कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इन सब जगह पर कैप एक्सेप्ट हो रही है, यहाँ पर कैप आपकी एप्लीकेबल नहीं है। तो इन सबको ऐड करोगे तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी इंटरेस्ट, जिस मनी कमिंग प्लस 1.94, इसकी टोटल कॉस्ट है आपकी 23.875 प्लस 1.94 8.15। इस तरीके से आप सारी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप ध्यान से कीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद आपको क्लियर होगा। तो ये हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं कैप के ऊपर, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइक फ्लोर एंड कॉलर के ऊपर प्रॉब्लम्स। थैंक यू।